Hello, hi guys, how are you? I am Nishtwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे. बेटा, प्राविधिक कला से संबंधित आज का ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हम लोग खंड बा स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं. सेक्शन बी आप सब जानते हैं कि 12 अंकों का है. सेक्शन ए इससे पहले हमने पढ़ा 10 अंकों का था. लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हमने अटेंड किए हैं एक दिन. अभी और हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन ए. कुछ महत्वपूर्ण प्राविधिक कला के जो वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू स्टेप में. आज से सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं. 12 अंक का एक ही प्रश्न सॉल्व करना है और आप 12 अंक ले सकते हैं. आज वाले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षर लेखन से संबंधित प्राविधिक अनिवार्य का जो है भाग. और अनिवार्य इसलिए कहा जाता है बेटा कि जो टोटल प्राविधिक कला को 6 अंगों में बांटा गया है, ए बी सी डी ई और एफ. तो इसमें जो ए वाला सेशन है इसे छोड़ने के बाद ये सारे अनिवार्य हैं. बी वाला सेशन है ये 12 अंक का है. सी वाला 16 अंक का है. डी वाला भी 16 अंक का है. ई वाला भी 16 अंक का है. और एफ वाला 30 अंक का अकेला है. ए वाला 10 अंक का है. इस टाइप से एक ही पेपर बनता है और 100 अंक का होता है. अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो बेटा पहले वीडियो ढंग से देख लो. वीडियो देखते हैं नहीं, कमेंट छाप देते हैं और उसी में उनका आंसर्स भी छुपा होता है. लेकिन उन्हें कमेंट छापने की आदत पड़ गई है और वो कमेंट छापते हैं, वीडियो नहीं देखते. तो बेटा पहले वीडियो देखो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दो, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दो. शेयर की वजह से आप लोग इतना बाद में प्राविधिक कला की महत्व को जान पाए हैं, इसलिए वीडियो शेयर अवश्य कर दिया करिए. चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें. आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर हम लोग बात करते हैं प्राविधिक कला में अक्षर लेखन की, तो ये सेक्शन बी का महत्वपूर्ण भाग है. और सेक्शन बी से केवल और केवल 12 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाता है. अब 12 अंक में या तो आप करणवत पैमाना वाला करेंगे, जिसे हम लोग विकर्ण मापनी के नाम से जानते हैं. विकर्ण मापनी में टोटल एक क्वेश्चन देखा और उसमें एक क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, उसकी रचना की जाएगी और उसकी विधिवत विधि लिखी जाएगी और फाइनली एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको 12 अंक मिल जाएगा. या फिर अगर आप मैथ में थोड़ा सा वीक हैं, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं सर मैं मैथ में वीक हूँ इसलिए प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करवाइए, तो बेटा अगर आप मैथ में वीक हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. आप थोड़ी सी लेटर राइटिंग से अगर अपना काम चला लेते हैं तो भी काम आपका हो जाएगा और बराबर अंक आपको मिलेगा. हालांकि कुछ मास्टर ऐसे होते हैं जो कॉपी चेक तो करते हैं लेकिन वो मैथ में वीक होते हैं और वो ये देखते हैं कि चित्रकला का भाग है और अगर चित्रकला से संबंधित आप क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो लोग उसमें अंक थोड़ा कम देते हैं. इसलिए मैं पुनः सजेस्ट करूंगा कि जो लोग विकर्ण मापनी में थोड़ी सी कम रुचि रख रहे हैं बेटा, वो विकर्ण मापनी बिल्कुल भी ना बनाएं, वो लेटर राइटिंग से काम चला लें और इसमें आपको 100% फुल मार्क मिलेगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है. इसमें होता क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे में बड़े अक्षर व प्रकाश में छाया युक्त चलचित्र अथवा सिनेमा लिखिए. अक्षरों का कोण जो है वो आधार से 90 डिग्री पे हो. ये कोण को जरूर ध्यान रखना है. कई बार ये 30 डिग्री पे कहता है, कई बार 60 डिग्री पे कहता है, अक्सर 90 डिग्री पे कहता है. तो बेटा आधार आपको एक खींचना है और इसके जो अक्षर लिखे जाएंगे एकदम 90 डिग्री पे रहें, हर एक अक्षर सिधाई पे रहे, कहने का मतलब ये है. तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो जो दिशा निर्देश बताया गया है वो फॉलो करना है. सबसे पहले लेटर राइटिंग में आपको बता दूं कि आधा आधा सेंटीमीटर के पहले खानों में डिवाइड करना होता है. जब आप आधा सेंटीमीटर का ग्राफ कंप्लीट कर लेंगे उसमें लेटर राइटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और अक्षर एकदम सीधा बनेगा, जिससे कि एग्जामिनेशन और एग्जामिनर है उसके मन में एक अच्छी पकड़ बन पाएगी, जिससे आपको अच्छा अंक मिल पाएगा. कहने का मतलब ये है कि बेटा अक्षर राइटिंग में आपके हर एक अक्षरों की वैल्यू दी गई है, कितने खाने में कौन सा अक्षर लिखा जाएगा. जैसे अक्षर सी की बात करते हैं, अक्षर सी 4 खाना लेता है, अक्षर आई 1 खाना लेगा, अक्षर एन जो है ये भी 4 खाना लेता है, अक्षर ई जो है ये भी 4 खाना लेता है. सबसे ज़्यादा अक्षर जो खाना लेने वाला है वो एम है और डब्लू है. एम और डब्लू सदैव 5 खाना लेते हैं, ये ध्यान रखना है. कई बार क्वेश्चन सीधे ऐसे ही पूछ लिए गए हैं, ठीक है. कितने खाने लेते हैं कौन से अक्षर, एम कई बार पूछा गया, कई बार डब्लू पूछा गया. ए जो है ये भी 4 खाना लेता है. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आधा आधा सेंटीमीटर में काटना है. 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई कह रहा है, तो बेटा जब 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हमें
अक्षर बनाना है तो आधा सेंटीमीटर ऊपर एक्स्ट्रा रखना होगा, आधा सेंटीमीटर नीचे, यानी 4.5 सेंटीमीटर की ये वाली रेखा खींचनी होगी ऊंचाई वाली। ठीक, 4.5 सेंटीमीटर की सीधी रेखा एकदम खींचेंगे ऊंचाई वाली, जबकि कहा जा रहा है सिनेमा को लिखना है। अब सिनेमा लिखने में आप जान पाएंगे कि कितने अक्षर आ रहे हैं, तो जब आप अक्षर काउंटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना कितना ले रहा है। और ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक अक्षर के बीच में एक खाना अवश्य छोड़ना है। जैसे आपने सी लिखा, उसके बाद एक खाना छोड़िए, देन आई लिखिए, देन एक खाना छोड़िए, फिर एन लिखिए, फिर एक खाना छोड़िए, ई लिखिए, फिर एक खाना छोड़िए। तो इस टाइप से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने अक्षर आ रहे हैं। तो इस टाइप से आपने देखा सी में 4, आई में 1, एन में 4, ई में 4, एम में 5 और ए में 4। तो 5 4 9 और 9 4 13 4 17 एक 18 18 4 22 22 लेटर इस टाइप से आए, और अक्षर कितने का है 1 2 3 4 5 6, तो 22 6 28। बेटा 28 खाना तो मूल अक्षरों में आया, एक आगे छोड़ना है, तो इस टाइप से टोटल 29 खाने का एक बढ़िया सा ग्राफ हमें बनाना है। तो 29 खाने का ग्राफ बनाने के लिए आपको पटरी और पेंसिल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले एक आधार खींचेंगे आप, उसके बाद एक कहा जा रहा है कि ऊंचाई खींचनी है, 90 डिग्री पे हो, सिधाई में हो, बस इसकी हाइट जो रखनी है ये 4.5 सेंटीमीटर रखनी है, और इसकी हाइट जो है ये 29 खाना आया है तो लगभग 14.5 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि आधा आधा सेंटीमीटर का एक खाना है तो 14.5 × 29 होता है। तो बेटा 14.5 सेंटीमीटर ये रख लेना है। उसके बाद आपको जब पटरी रखेंगे आप, तो पटरी में दिखता है आधा आधा सेंटीमीटर, कट कर लेना है उसे ऐसे 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 ऐसे। तो इस टाइप से 15 खाना आप जब खींच लेंगे, उसके बाद इस पे 4.5 कह रहा है, ठीक है, तो 4.5 सेंटीमीटर की जब ऊंचाई लेंगे तो इस पे भी आपको खाने खींच लेना है। देन आपको ये सारे बिंदु जो है वो मिला देने हैं। जब आप मिला देंगे तो इससे ये हो जाएगा कि ग्राफ एकदम सीधा बनेगा। 90 डिग्री पे ये कह रहा है तो 90 डिग्री पे एकदम सीधा सीधा सब कुछ चलेगा बेटा। ठीक, तो ये कन्फर्म हो गया कि मेरा ग्राफ कम्प्लीट है, आप केवल अक्षर लिख देना है। इस टाइप से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब अक्षर लेखन की अगर बात करते हैं तो अक्षर हम लोग इसमें फिलअप करते हैं। जैसे अक्षर सी कहा गया था तो पहला खाना ये वाला छोड़ देना है, उसके बाद सी 4 खाने लेता है, 1 2 3 4, यहाँ से अक्षर सी स्टार्ट करें और इस टाइप से लेके आएंगे और इस टाइप से हम लोग लिखेंगे तो इस टाइप से सी आएगा। देन आधे खाने की फिर गैपिंग लेनी है, फिर इस टाइप से सी लिखना है और इस टाइप से हम सी लिख सकते हैं। आप सब देख रहे हैं, अभी थोड़ा डिजिटल काम है इसलिए नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ दिन में वाइट बोर्ड पर आऊँगा और वहाँ पर आपको ढंग से बताऊँगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना है किस टाइप से मैं बता रहा हूँ और उसी टाइप से आपको लेखन करना है। बेटा सबसे पहले ग्राफ ही मेंटेन करना है, आधे आधे सेंटीमीटर का एक खाना कंप्लीट करना है और उसी में लेटर राइटिंग करना है। पहला खाना मैंने स्टार्टिंग में छोड़ा, सी कंप्लीट हुआ, एक ये वाली रो छोड़ देंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे आई, तो आई आप सब जानते हैं सीधे एक ही लाइन में आ जाएगा, तो आई में कोई दिक्कत नहीं है, आई होगा। सी आई के बाद एन लिखना है, तो एक खाने यहाँ भी छोड़ देने हैं, उसके बाद एन भी ऐसे ही ड्रॉ करना है, एन के लिए एक सीधी रेखा होती है, ठीक, तो सीधी रेखा हो गई, उसके बाद एन इस टाइप से आता है, 4 खाने लेना है, 1 2 3 4, तो एन यहाँ आया, उसके बाद चौथे खाने में लास्ट यहाँ गया। अब इसे आप जब फिलअप करेंगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे हमें करने हैं, कैसे अटेंड करने हैं, समझ में आ गया होगा जो मैंने बताना चाहा है। वैसे ही सेम ड्राफ यहाँ किया गया है, ठीक है, सेम ग्राफ में सेम ड्रा किया गया है। सी हो गया, 4 खाने लिया है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, आई को एक खाना लिया गया लेकिन अक्षर बीच में एक खाने छोड़ के ही लिखना है, तो एक खाना ये छोड़ दिया गया, आई हो गया, एन लिखा गया वो भी एक खाना छोड़ के ही लिखा गया है, नेक्स्ट एन के बाद ई लिखा गया है वो भी एक खाना छोड़ के लिया गया है, एम लिखा गया है आप सब जानते हैं, 1 2 3 4 5 5 खाने लेता है, सबसे बड़ा अक्षर एम ही है, एम और डब्लू 5 5 खाने लेते हैं, एम हो गया, उसके बाद ए हो गया। एक एक खाने जब छोड़ के आप लिखेंगे थोड़ा साफ लगेगा, अक्षर साफ दिखेगा, छाया युक्त दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ एग्जामिनर के मन में यह अच्छा इफेक्ट डालेगा और अच्छा अंक हमें मिल सकता है। बेटा एक क्वेश्चन से सॉल्व करने में आपको 6 अंक मिल जाएंगे, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, बस करना क्या है आपको 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, 5 से 6 बार आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं तो खुद इसे 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस कराऊँगा,
पाँच से छः क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कैसे हमें सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। अब सेक्शन ए समझ में आ गया, यानी सेक्शन का समझ में आ गया है, किस टाइप से लिखना है बेटा, पूरा समझ में आ गया होगा। अब ये वाला का जो है ये छः अंक का है। अब खा वाले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खा वाले में कहा गया है, खा वाला इसे पढ़ेंगे डेढ़ सेंटीमीटर की ऊंचाई में, हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए, नौ नगद ना तेरा उधार, या फिर वन टूडे इज वर्थ टू टुमारो। इसे सॉल्व कर देना है, चाहे इसे लिख दें या इसे लिख दें, डेढ़ सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। बेटा डेढ़ सेंटीमीटर ऊंचाई के लिए आप जब हिंदी में लिखेंगे तो फाइनली डेढ़ सेंटीमीटर एक लाइन खींचें, उसके बाद भी ड्रा करें। लाइन में जब आप ड्रा कर लेंगे तो अक्षर की कैपेबिलिटी पता चल जाएगी कि कितने लाइनिंग में कौन सा अक्षर जा रहा है। एकदम साफ साफ लिख देना है, इसमें कोई लाइनिंग की बहुत खास बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अक्षर कौन कौन सी लाइन को छू रहा है। एकदम फ्री का नंबर है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। बस चार से पाँच बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसे, तो आप रूलदार कापी पे कर सकते हैं। रूलदार कापी जो पहले इंग्लिश में आती थी स्टार्टिंग में, जब हम लोग LKG और KG में पढ़ते थे तब आपको मिलती थी इस टाइप की रूलदार कापियाँ इंग्लिश वाली, तो उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। दो पेपर उठा लीजिए और दो पन्ने उठाइएगा, उसमें ढंग से लिखिएगा, आ जाएगा। स्केच से लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नौ नगद ना तेरा उधार, आप लोग देखें लास्ट वाली एक लाइन छोड़ दी गई, देन पहली लाइन आई, उसमें नौ लिखा गया, मात्रा ऊपर वाले में लिखा गया, और ढंग से आप देखते हैं लिख भी गया है और अच्छा इफेक्ट भी डाल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पेंसिल से लिखने के बाद आप इसमें स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक कलर का अगर आप स्केच प्रयोग कर लेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आकर्षक लगेगा, और एग्जामिनेशन के हाल में जो है आपका कॉपी अलग ही दिखेगा। एग्जामिनर के मन में भी आपको एक अच्छा अंक देने के लिए प्रेरित हो जाएगा, और एग्जामिनर जो है मैक्सिमम अंक आपको देना चाहेगा, क्योंकि 6-6 अंकों का एक एक है, तो 6+6=12 होता है, मैक्सिमम 10 अंक दे ही सकता है। अगर 2 अंकों काट लेता है फिर भी आपको 10 अंक देगा ही देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 100% की तैयारी आपको कराई जाएगी, और जिसमें 90% प्लस स्कोरिंग आपका होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ढंग से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 90% प्लस स्कोर आपका हो जाएगा। चाहे आप इंग्लिश वाला करेंगे तो ओ जैसा कि आपको एग्ज़ाम में दिया गया है, पेपर में दिया गया है, सेम वैसे ही लिखना है। ये नहीं कि ओ यहाँ स्मॉल लिख दीजिए, ओ कैपिटल दिया गया है, ओ एन ई, उसके बाद टू लिखना है, टी ओ, फिर डी ए वाई, जैसा अक्षर दिया गया है ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि कैपिटल लेटर दिया गया है तो स्मॉल लेटर में लिख दें, या स्मॉल लेटर दिया गया है तो कैपिटल लेटर में लिख दें। बेटा ये ज़रूर ध्यान देना है, और इसी पे आपका नंबर है। जो लोग गणित में कमज़ोर हों बिल्कुल परेशान ना हों, उनके लिए लेटर राइटिंग बहुत ही अच्छा और एक सटीक नंबर दिलाने वाला सेशन है। सेशन बी में सबसे ही अच्छा और सबसे बढ़िया मौका यही है कि अगर आप कर्णवत पैमाना नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां से नंबर अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में अवश्य छापें, लेकिन फर्स्ट वाला सेशन ढंग से रखना है। इसमें लेटर राइटिंग के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कितने खाने छकाता है, क्योंकि यहाँ खानों की विशेष महत्ता है। आधे आधे सेंटीमीटर जब आप डिवाइड कर लेंगे, साथ ही यहाँ कोण जरूर दिया जाता है, आधार से 90 डिग्री। तो आधार से 90 डिग्री बेटा जब आप ड्रॉ कर लेंगे, उसी के पैरेलल समस्त खाने काटेंगे और उसी में जब आप ड्रॉ करेंगे बहुत ही अच्छा फिगर आएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर छाप दें कि TGT आर्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, क्या उसे सॉल्व कराया जाए या बंद कर दिया जाए, इसे आपको जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।